हर खबर पर आपकी नजर, बेताब समाचार। पीलीभीत के गजरौला कलां स्थित नूरी जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद मौलाना मोहम्मद नसरुल्ला खान इमाम नूरी जामा मस्जिद गजरौला कलां, मौलाना शाकिर नूर खान, मौलाना फिरोज खान व एएमसी के पूर्व जिला प्रभारी जाकिर नूर तहसीनी, डॉक्टर हाशिम खान, डॉक्टर नाजिम खान, गुलसाद खान, मौलाना अमानत रसूल खान, सैफ खान, इकरार खान व कस्बे के सैकड़ों लोगों ने राष्ट्रपति महोदया के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम को दिया, जिसमें बताया गया है कि हल्द्वानी में मस्जिद व मदरसे पर गैर कानूनी तौर पर बुलडोजर चलाया गया और वहां के मुसलमानों को बिला वजह प्रशासन के द्वारा परेशान किया जा रहा है। वहीं दिल्ली के मेहरौली शरीफ में मस्जिद पर अवैध तरीके से बुलडोजर चलाया गया और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा करने की मांग की गई है। ज्ञापन में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का वर्णन किया गया है, जो कहता है कि जो मस्जिद या दरगाह या इबादत गाह जहाँ पर है वहीं पर रहेगी, लेकिन उसकी पामाली हो रही है ज्ञानवापी व मथुरा उसका उदाहरण है। हमारी मांग को तत्काल लागू किया जाए। एडीएम साहब, आपके माध्यम से हम आज का ये ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के समक्ष देना चाहते हैं, जिसका विषय है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली आदि जगहों पर मुसलमानों की इबादत गाहों, दर्शगाहों, मुस्लिम जनों को कुरान के इशारे पर हिंदूवादी मुस्लिम विरोधी तहरीकों तथा पुलिस द्वारा जमींदोज किया जा रहा है, जिसके विषय में हम ये ज्ञापन देना चाहते हैं। जिसकी हमारी प्रमुख मांगे वो निम्नलिखित हैं, वो प्रमुख मांगों का मैं उल्लेख यहाँ पर देना चाहता हूँ। दिल्ली पुलिस मजालिम के खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा मेहरौली शरीफ में शहीद की गई मस्जिद और मदरसे की तामीरें नौ की जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की सरकार तत्काल बर्खास्त की जाए और हल्द्वानी में हुए जानी माली नुकसान पर पुष्कर धामी को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा धामी सरकार के रहते उत्तराखंड और देश में अमन नहीं रहेगा। ज्ञान वापी का पूरा प्रकरण अदालत में जेरे समात है। अपराध का हस्ताक्षेप कानून और संविधान का दुरुपयोग है, लिहाजा अदालत के फैसले का इंतजार किया जाए। और हमारी प्रमुख मांगों में ये मांग है कि मौलाना सलमान अजहरी को रिहा किया जाए, उनके बयानात को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। टी राजा, नुपुर शर्मा या इत्यादि नरसिम्हानंद जैसे तमाम बलवाइयों को देश में अमन के लिए गिरफ्तार किया जाए। 1990 एक्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि जो मस्जिद या जो दर्शगाह जहां पर है उसे वहीं पर रहने दिया जाए। 15 अगस्त 1947 को बाबरी मस्जिद के अलावा जिस धर्म की जो इबादतगाह जिस कैरेक्टर में है उसी कैरेक्टर में रहने दिया जाए, ये 1991 का एक्ट कहता है। उसके साथ छेड़खानी हो रही है, जिसका जीता जागता सबूत ज्ञान वापी और मथुरा है और उसी के दायरे में आता है, उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है जो संविधान का उल्लंघन है, जिसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए। और हमारी प्रमुख मांगों में से एक मांग ये भी है कि अभी 2 साल पहले यहाँ पर जो जुलूस निकला था उसमें कुछ लोगों को मुकदमे में गिरफ्तार और उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे किए गए थे, जो लोग जुलूस में नहीं भी शामिल थे उनके भी नाम उल्लेख किए गए। मेरी गुजारिश ये है कि उनके जो भी मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएं और हम सब लोग मिलकर के ये ज्ञापन आपके माध्यम से राष्ट्रपति महामहिम के समक्ष देना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद। चाहते थे हम कलेक्टर आने के लिए, लेकिन हमें कहा गया यही आप दे दो ज्ञापन, तो शांतिपूर्ण तरीके से हमने यही दे दिया। हमारा सिर्फ विरोध दर्ज कराना मकसद है, हमारा कोई शांति भंग करने का मकसद नहीं। हमारा आ रहा विरोध दर्ज कराने का था, हमने आपके माध्यम से लिखित रूप में दे दिया। चलो चलो, गर्म जाओ।